सत श्रीकाल नमस्कार, मैं हाँ दीपक भंडारी से तुम देख रहे हो डी4 न्यूज़। साढ़े विशेष प्रोग्राम खरिया खरिया तुहाडा स्वागत है। प्रोग्राम शुरू करन तो पहला असी पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ते उन्हां दी धर्मपत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर नूं वधाई देने आ। उन्हां दी अज मैरिज एनिवर्सरी है। भगवंत मान ने ट्वीट भी किया है ते लिखिया कि इक्को मेहर मैं उस सोहणे रब तो मंगी है, साडी फोटो वेख के लोग कहण दोवां दी किस्मत चंगी है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू डॉक्टर गुरप्रीत कौर। तो डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने भी अगों ट्विटर के राही उन्होंने ही जवाब दिता है कि दो ही चीज़ा मंगदी हाँ रब तो, दिन रात एक उदा सिर ते हाथ ते दूजा तेरा साथ। साडे वालों बहुत बहुत वधाइयां मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं। 2024 दे इलैक्शन सिर ते ने ते 8-10 महीने बाद इलैक्शन हो जाने ते नवीं सरकार देश नूं मिल जानी है। इस बारी सत्ता ते काबज होने वास्ते तमाम राजनीतिक पार्टियां दा पूरा जोर लग्या होया है। एक पासे ते विपक्ष लगातार इकट्ठा हो रहा है कि बीजेपी नूं किवें हराना है, ते दूसरे पासे बीजेपी भी लगातार इस संकल्प दे विच है कि तीजी वारां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं किवें बनाउणा है। अज जिहड़ा असीं एपीसोड तुहाडे सामने लैके आए हां, इह अज असीं गल करांगे देश दे घोटालियां नूं लैके। हमेशा असीं गलबात करदे हां कि विजिलेंस वल्लों कोई ना कोई बंदा या अफसर रोज़ ना रोज़ फड़िया जाता है। बहुत सारे पंजाब के ऐसे सबका मंत्री जिन्हां दे उत्ते विजिलेंस ने परचे भी दर्ज किए तो उन्होंने जेल भी जाना पै गया। कई राज्य ऐसे है जिन्हां दे मुख्यमंत्रियों के उत्ते भी आरोप लगे कि भ्रष्टाचार उन्होंने किया है। हुण जदों तुहानूं याद होना कि जदों मुख प्रधानमंत्री बने सन नरेंद्र मोदी, तो 2014 च उन्होंने सहुं लई सी ते आख्या सी, संकल्प लिया सी कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक के नाते ही जनता की सेवा करांगा। उन्होंने सब तो पहलों यह भी आख्या सी कि मैं तो फकीर हाँ, झोला चुक के आया तो झोला लैके चल पाऊँगा, ना मैं खाऊँगा तो ना मैं खाण दूँगा। ये गल तो पक्की है कि उन्होंने किसी मंत्री मंडल के उत्ते कोई आरोप नहीं लग्या कि उन्होंने कोई घोटाला किया। पर सवाल सब तो वड्डा यह है कि की जिहड़े भी घोटाले अज तक होए या देश की जिहड़ी हालत आर्थिक स्थिति तो देश गुजर रहा है उहदे लई जिम्मेदार लोगों को कभी कोई वसूली हुई। हालांकि प्रधानमंत्री के उपर आरोप लगते रहे कि उन्होंने अपने मित्रां की मदद की थी, कई कंपनियां नूं उन्होंने एक एक करके निजी हत्थां च सौंप दिता। विपक्ष भी आरोप ला रहा है। हुण किहड़े-किहड़े घोटाले, पहला घोटाला 1948 होया सी। साडे नाल ने साडे एक्सपर्ट राकेश शर्मा। पहले तो मैं शर्मा जी को भी इस गल की बधाई देना चाहवागा क्योंकि शर्मा जी ने अपनी टीम के नाल इस सारी स्टडी करन नूं एक बहुत टाइम लाया, बहुत समय बाद एक रिपोर्ट तैयार हुई है। कई अखबार खंगालियां पईयां ने सानू, कई तरह दियां होर भी रिपोर्टां नूं पढ़ना पिया, तो उस तो बाद एक रिपोर्ट असीं तैयार की है जिहड़ी अज तुहाडे सामने असीं रख रहे हैं। शर्मा जी नमस्कार जी, तुहाडा स्वागत है। धन्यवाद जी भंडारी साहब। शर्मा जी असीं रोज़ गल करदे जी कोई ना कोई, देखो अज भी कोई अखबार कितना कितने आ जाता भी विजिलेंस ने बंदा फड़ लिया, कोई 20,000 लेंदा फड़िया जाता, कोई 5 लाख लेंदा फड़िया जाता, कोई 2 लाख लेंदा फड़िया जाता, रिकवरी इन्ना को होंगी। ये तो छोटे है पर इतने हज़ारां करोड़ों के घोटाले हो गए। कहते भी देश वाकई सोने की चिड़ी सी, मुगलां रज के इन्हू लुटिया जी, जी अंग्रेजा रज के इन्हू लुटिया, हुण कहते भी गोरे चल गए काले रज के लुटन डे, दो हथी नोच नोच खान डे। ये कुछ घोटालिया की तुम एक रिपोर्ट पूरी पढ़ी है, तो मैं चाहवागा दर्शकों को एक एक करके, हालांकि दर्शकों भी संयम न सुनना पेगा क्योंकि लिस्ट काफ़ी लंबी है। देखो हूँ तो जे अगे होंगे कोई कोई घोटाले जो उंगलों के गिने जाते हैं जी, अही शुरू किया 1948 तो जी, तो हूँ तो इन्ने क घोटाले हो गए आ भी वह सैकड़े छड़ के हजार जा गए, तो हजार ही करोड़ों के स्कैम हो गए आ जी, वो गिने नहीं जा सकते, दसे भी नहीं जा सकते। जिहड़े काले अंग्रेज तुहाडे वाली गल ठीक आ, ते अफसरशाही लुट रही है देश नूं, नोच नोच के खा रही है, लोगों का खून चूस रही है जी। पहला घोटाला आया सामने जीप खरीद घोटाला, ये 1948 च होया है, साल बाद ही देश दे आजाद होने तो साल बाद ही। वो भारत पाक की जो जंग हुई तो फौज ने डिमांड की भी जिहड़े अफसर दस्सिया भी फौज नूं जीपां की बहुत लोड़ हैगी आ जी, भी लड़ाई दे विच एक थां दूजे जाण लई, ते भारत सरकार ने 300 पाउंड के हिसाब न 1500 जीपा का आर्डर ब्रिटेन देता जी। 1949 तक ये जीपा 155 आई जी, बाकी आई ना तो जी आई भी स्पेसीफिकेशन के उत्ते खरिया नहीं उतरदिया। इस मामले की जांच हुई, मतलब शुरू उतों ही हो गया काम। हाँ भी माल कहते भी मिलावट, तो जे भारत के उच्चायुक्त ही वी के मैनन वो दोषी पाए गए ब्रिटेन के उस टाइम, वो ही उन्होंने सौदा कराया है।
पर होया कुछ नहीं, उल्ट नहरू साहब ने उन्होंने अपने कैबिनेट के मिनिस्टर बना लिया। बहुत सारे ऐसे देश के स्टार तो ये मतलब ये काम हो गया। उस तो बाद साइकिल आयत घोटाला जी ये 1951 हो मिनट से उद्योग मंत्रालय के सचिव एस ए वेंकट रमन सिंह जी उन्होंने रोप लगे ने उन्हें एक कंपनी जी उन्होंने जानी हुई उन्होंने साइकिल आयात करने का ठेका देता जी और जेल भी जाना पाया उसो जेल गए। फिर आ गया VHU फंड घोटाला जी 1956 ये सिक्ख्या के क्षेत्र के बड़ा वाडा घोटाला अधिकारियों ने फंडा की हेराफेरी करती। एरके जी सारे घोटाले ना साढ़े जम्मन तो पहलों दी ने सारों नहीं मैंने भी पता लग रहा। हाँ जी हाँ जी ये घोटाला उस समय 50 लाख रुपये का ही जी बड़ा वाडा गिनिया ही 50 लाख रुपया उदो 1-2 रुपये तनखा होंगी महल बने की। फिर आ गया लीडर वाले बने भी आ गया कम तुर पाया प्रताप सिंह कैरो स्कैम 1963 के ये देश के पहले मुख्यमंत्री ही जिन्हों से यह रोप लगा भी उन्होंने अपनी आमदन तो वध जायदाद बनाई आ ते अपने परिवार को फायदा पहुंचाया मुख्यमंत्री होने का काम का दिता। इन्हों की शिकायत जी प्रधानमंत्री नहरू को गई पर नहरू साहब ने शिकायत कार्रवाई करने की जगह इन्हों बचा लिया जी। अजे मुख्यमंत्री बड़े घेंट मने जाते ही पर स्कैम जो पहला आमदन तो बाद जायदाद इन्हों तो शुरू होया जी जिसे हम बहुत सारे मंत्री सबका आखो ना आम नोटा आम ही हो गया मंत्रियों के घर नोटा दी गिरने वाली मशीन वे वे आलीशान महल सारा कुछ ही हो गया काम। फिर आ गया पटनायक कलिंग ट्यूब्स मामला ये 1965 उस समय के उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के रूप लगे भी उन्होंने अपनी कंपनी कलिंग ट्यूब्स न एक सरकारी कंट्रैक्ट दवा च मदद की सरकारी प्रॉपर्टियां विकियां ना जिहड़ियां जां देखो किसी ने कोई पेट्रोल पंप लाना है जां किसी ने कोई प्लांट लाना है उधर भी सरकारी लाइसेंस लाना पैंदा तो मैं पढ़ रहा कहते 60-66 हज़ार पेट्रोल पंप है पूरे देश के 30 हज़ार तो वो लीडर के या अफसर के या रिश्तेदार के ना आया फिर आ गया मरुती घोटाला 1973 इंदिरा गांधी जी तक भी ए आंच जी पहुंची उन्हें कहा भी जो पसेंजर कारा बनाने लाइसेंस देने संजय गांधी की मदद की बड़ा बहुचर्चित घोटाला आया मरुती कांड घोटाला आरोप लगे से। फिर आ गया HDW दलाली मामला 1983 जर्मन पंडुबी बनाने वाली कंपनी ही जी उन्होंने काली सूची पाता इस काम से रोप लगा भी उन्होंने 20 करोड़ की कमीशन दी आ प्रभावशाली लोगों ये पंडुबियां खरीदने वास्ते जी 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 मतलब ये जो सेना वास्ते भी उपकरण खरीदने हटते नहीं है हर थान से घोटाला अगला भी इदा का ही आ बोफर्स घोटाला आ गया 64 करोड़ रुपये दलाली लई गई उन्होंने ऑटोवियो काबात्रोची राजीव गांधी का ना आया ते मामले का उठा के विश्वनाथ प्रताप सिंह चंगा रौला पाया तो आप सरकार च आ गए जी मतलब राजीव गांधी ने सत्ता गवानी पई वेखो जो बहुत रौला पाया मीडिया मैनेज नहीं हुआ हाँ मगर यह है भी बोफर तोपा निकलिया पर वधिया ही हाँ कारगिल की लड़ाई चरके जी फिर क्या गया भी बोफर्स ने ही उत्थे तक मार दी भी कह लग गए भी कंपनी ने भी किसी ना किसी दलाली देनी ही रोप लगे पैसे पूरे चंगे बनाए ते बाद पता चलिया भी जो दस्तावेजा VP सिंह फसाने की कोशिश की उत्ते जो साइन है ही इंग्लिश ही तो VP सिंह जो सरकारी कागजा के साइन करते ही हिंदी करते ही VP सिंह का बचाव हो गया। फिर आ गया बड़ा चर्चित होया अर्षद मेहता कांड 1992 होया बनी जरगे जी अर्षद मेहता कांड
हर्षल मेहता ने किया धोखाधड़ी ना बैंकों को पहले तो स्टाक मार्केट लाते सारे लाते जो स्टाक मार्केट में 5,000 करोड़ का घाटा आया कई बंद ने उदो खुदकशियां भी कर लिया ही करजा ही हो गया शेयर घाटा पै गया पहला तो शेयर मार्केट बड़ी तह गई 10,000 का 70,000 बन गया लोगों ने शेयर खरीदे एकदम ही फिर वेर के जी 1992 से बहुत वड्डा घोटाला मनिया जाता है पर उस तो बाद हूँ कहते भी घोटाले तो कई हूँ 1,000 करोड़ की तो गल ही मुक गई सारे अर्षद मेहते है जी उदो तो कोई क्यों हों फिर आ गया 4 घोटाला ये तो देखो ये तक गूंज चलन दी 1996 च होया बिहार का बहुचर्चित घोटाला ही जिन्हें सनसनी फैलाती ही ये घोटाले की जिहड़ी आरोप लगे ही उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से लगे जिन्होंने सजा भी हुई आंदे 1-2 करोड़ तो शुरू होया ही 4 करोड़ रुपए लैन पे मेरी एक साबका सीनियर लीडर ना डिप्टी मेयर रह चुक डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं जी जी वो कहते मैं क्या इलेक्शन नहीं लड़े कहते मेरे को 4 करोड़ नहीं पार्टी देने कितों लाना 20-20 करोड़ रुपए की कहते इलेक्शन हो गई है भाई साहब पैसे दे के लड़ते आ मगरों पैसे लैके पार्टियां बदल लेंगे आ हूँ चाहिए तो ना जिदा ये पार्टी बदलते हैं लोगों को भी वोट बदलने का अधिकार होना चाहिए संविधान चेंज होना चाहिए भी तू चुनिया दे उस पार्टी की टिकट दे उस पार्टी की देख के विचारधारा की विचारधारा तद ही चुनिया गया ही ना जी एक ना दूजी पार्टी जाने वास्ते नहीं भी होती ही 30 करोड़ लो जब 40 लो तो जाके दूजी पार्टी छाल मार के बह जाओ इन्होंने ये जो भी इन्होंने कि तू पार्टी बदलनी नहीं ना हमेशा ही कहेंगे मैं हूँ यदि विचारधारा के नाल सहमत हाँ भी पहले विचारधारा तुम किन्ने साल उस रहे भी असहमत सीगे उत्थे मंत्री पद भी हड़ाया हों सारिया चीजा भी लिया होंगे पहले पार्टी चंगी लगती दूजी गाला कटते मगरों के डिटर्जेंट आज इन्हें धो गए वह साफ हो जाता बंदा कल संजय सिंह भी भुल जाती CBI भी भुल जाती उन्होंने फंडा मगरों देखो जो हमने महाराष्ट्र के विचर केस जो है वह अजीत पवार के नाल छगन भुजबल होर भी उन्होंने नाम लिया है कल संजय सिंह आए थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है वो कहते भी मार्केट में एक वाशिंग पाउडर आया है उसका नाम है मोदी डिटर्जेंट पाउडर तो कहते जेड़ा बंदा ओदे ना नानू लेंदा ना मान लेंदा है सभी भ्रष्टाचार के दाग उनके धुल जाते हैं मतलब ये बिल्कुल ठीक है शगन भाई बोल अंदर जेल तो आगे रह गया 2 साल रह जो इन्हें अंदर कीता ते ओनू हो गया गया के जी एक ना छोटी जी वीडियो रवीश बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने उन्होंने ना अपने ओदे ते पाई सीगी जदों ये सारा काम उस तो कुछ दिन पहले उन्होंने PM साहब का भाषण पाया तो कहते भी 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला जो आरोप है इन्हों के उपर NCP के लीडर के उत्ते अजीत पवार भी शामिल है जो डिप्टी CM बनाता है CBI ने शुरू करती गई ही और CBI ने कहते चार्जशीट भी कोई दाल की हुई है मतलब ये तो हाल है फिर आ गया टेलीकॉम स्कैम एक तो मंत्री संग्राम जी जेल भी जाना पै कांग्रेसी मंत्री 6 करोड़ का घाटा पिया ही कांग्रेस के मंत्री सी और जी थी फिर लीडर की गल आ गई जे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा मामला 1993 च आया ही उदो PV नरसिम्हा की सरकार ही तो उन्होंने MPA की बड़ी लोड़ ही तो झारखंड मुक्ति मोर्चे के एक लीडर ने शैलेंद्र महतो ने दाता भी अभी जो PV नरसिम्हा सरकार को बचाने वास्ते 3.5 संस्था 30 लाख रुपया दिता गया ही रब ही रखा देखो 1993 30 लाख बहुत होंगे 30 करोड़ वर्गा तो ये वो झारखंड मुक्ति मोर्चे नेता शिबू सोरेन भी जेल जाना पाया बहुत सारे के जी ऐसे लीडर है मुख्यमंत्री पहले नहीं है जयललिता भी तमिलनाडु की थी उदो बड़ी वधी गल गिनी जाती ही भी लीडर खींचना फिर तहलका कांड एक होया ही भंडारी साहब एक मीडिया हाउस ही तहलका उन्हें एक स्टिंग ऑपरेशन किया ही उन्हें कहा भी कुछ जो वरिष्ठ नेता तो रक्षा समझौतों के पैसे खाते हैं गड़बड़ी करते हैं उस समय के BJP के जो कार्यक्रम प्रधान ही बंगारू लक्ष्मण उन्होंने एक वीडियो तो वायरल हुई ही पैसे लेंद्या की उन्होंने बहुत वायरल की सजा भी बहुत भुगतनी पई ही तहलका वाले का भी मुड़के तहलका बजाता ही उस समय के जो रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस उन्होंने इस्तीफा देना पाया ही अब देखो और किसी गल है कि कोई भी घोटाला जिमें होंगे अभी अब कहते हैं भी लीडर खाते हैं पर मेरी किसी सीनियर किसी गल पूरी शू कहते भी लीडर नहीं इन्ना खाते जिन्ना अफसर जिन्ना अफसर कहते लीडर तो पता नहीं पैसा आना कितों है हाँ लीडर उदों खाने लग गए जो के जी
कारपोरेट कल्चर होया, पार्टी फंड के नाँ के उत्ते पैसा जो आना शुरू हो गया ना जी, तो पार्टी नूं दसण दी लोड़ नहीं भी फंड आता कितों है। हुण आम बंदा तो देखो 80,000 करोड़ बंदा तो मुफ्तखोरी की राशन कांड है, वह तो पार्टी फंड दऊगा नहीं, पार्टी फंड तो कोई तगड़ा बंदा दऊगा ना जी, जिहड़ा तगड़ा दऊगा वह मुड़ के वसूलूगा भी लऊगा। मैं कल भगवंत मान जी कह रहे ही भी आंदा इक बने सरकारां एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन जिन्हें कोई सरकारी इदारे उन्होंने घाटे शो कर करके तो प्राइवेट बंद दे आते ही तो प्राइवेट जरा थर्मल प्लांट खरीद लगे रोटी गंगा बहाती है। देखो कम तो वधिया कर रहे ना, नहीं गल तो बिखुर के जी ठीक है, भी नहीं समझ आती भी सरकार जिहड़ियां वो कर्जदार हो जांदियां, इह लीडरां दे पंजाह पंजाह गल जी कित्थों बन जांदे आ, इह समझ तो परे वेख लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर दोबारा कहांगे जो आए थे ना उदो जनता नूं इह लग्गिया सी यार कोई प्रधानमंत्री तो ऐसा आया ना जिगरे वाला जिहड़ा कहिंदा मैं भ्रष्टाचार नूं खत्म कर दूंगा, पर भ्रष्टाचार खत्म होया कि नहीं होया इह देखो बिल्कुल नहीं खत्म होया। इत्थे हुण मुख्यमंत्री ने भी कहा साडे ने बहुत वधिया मुख्यमंत्री भी 1 रुपया खाना भी सरफराज खान दे बराबर आ, मैं बहुत फैन हां उहनां दा जी, ते पर उहनां वेखो भी की थल्ले भ्रष्टाचार खत्म हो गया कि उन्हां दे लीडर अवैध बिल्डिंगां दी सफाशा नहीं करदे, कि वह पोस्टिंगां नहीं कराउंदे, कि पटवारी बिना पैसे दित्ते लग रहे आ, ये सारी जांच होनी कि जिहड़ियां ट्रांसफर सिस्टम आ ठीक है नौकरियां दी पैसा नहीं लै रहे जी, सफाशा नहीं मान रहे कि ट्रांसफर सिस्टम जिहड़े आ उदा ही हो रहे आ, उहे करप्ट बंदे किदां लगी जाउंदे चंगीआं पोस्टां दे उत्ते। बिल्कुल गल चंगी गल है सरकार वास्ते, एक मैं बड़ी डिटेल में लैटर बना रहा सीएम साहब नूं लिखांगे प्रेस में जारी करांगे। राकेश जी ये कह रहे भी कहते जी पावर है ना जी वह सत्ताधारियों के कोल भ्रष्ट जे अफसर होंगे ना जी वो ही उन्होंने आले दुआले घूमते हैं, जिहड़ा तो अफसर लीडर को माल घटा ना जी उन्होंने ला देंगे, नहीं तो उन्होंने खुड़े ला ला दें ला देंगे, फिर इस करके भी अफसर ने भी कहा भी ठीक है वेखो भी अफसर ध्यान ही नहीं करते जरा पबलिक ट्रस्ट का काम है जो पैसे नहीं बचे, जिदा अं कई दसिया भी सिविल अस्पताल आ किन्नी वारी है इतने एपीसोड कर चुके उत्तर कोई मेडिकल स्पैशलिस्ट नहीं है जी, कोई सकैटरिस्ट का स्पैशलिस्ट नहीं है, इन्हों का ध्यान है चलाने वास्ते, इतों सगो डाक्टर घटा देंगे चुग देंगे आ फिर इन्हें भी वह ओपीनियन रखिया क्राइटेरिया भी जो ती बदली करानी एक एम एल ए सिफारिश चाहिए या मंत्री सिफारिश चाहिए क्यों चाहिए, तीस तो कहते मैं सिफारिश चाहिए मानते नहीं। देखो मैं परसों डायरेक्टर हैल्थ न बड़े अच्छे लेड़े आ फोन पर मैसेज पा के जानकारी दी भी इतने सकैटरिस्ट कोई नहीं हैगी, तरन तारण से सकैटरिस्ट दो अगे है, एक मैंटल अस्पताल चो सकैटरिस्ट डॉक्टर ईशा धवन जी 3 दिन वास्ते तरन तारण लाए गए आ, क्यों ना उन्होंने सिविल अस्पताल चलाओ जिथे है कोई नहीं जी, डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल आ गुरु नगरी आ इन्नी वी आई पी ड्यूटी इतने पैंती है, इन्ने लोग इतने आते भी इतने भी दे दौ जी जी जी, पर अजे उन्हों का कोई रिस्पोंस नहीं आया, उम्मीद आ जांच करेंगे हूँ आप घटाले करते वेखो लीडर तो फसे अफसर फसे तो खिडारी कि पिछे ही मैच फिक्सिंग तो ला गया 2002 उस अजरुद्दीन से अजय जडेजा का नाम बड़ा चर्चा च होया, अजरुद्दीन तो आजीवन क्रिकेट खेडन से बैन लग गया, तो अजय जडेजा तो मनोज भड़वाकर साल वास्ते बैन करता, कह रही दोनों का भी खत्म हो गया। फिर आ गया पटाई साहब यूटीआई घोटाला जी, 48,000 करोड़ रुपये का घोटाला ही जे जी, ये घोटाला किया यूटीआई सबका चेयरमैन पी एस सुब्रमणियम तो दो जो डायरेक्टर थे उन्होंने एक कपूर साहब तो एक एस के बासू जी, उन्होंने किया वेखो जेल गए ही पर सजा नहीं हुई। अगे जी देखो बहुत सारे इस तरह देखो कई बार चीज़ा हूँ वैसे वोट आ गई वोटा आ गई ना जी, इन्हों जनता की भी याद आ जानी है, वैसे तो गरीब जी 2-3 दिन पहले वीडियो चर्चा चाहिए सी किस तरह एक आदिवासी के उत्ते पेशाब किया जाता, कल शिवराज चरण भी धो गए इलेक्शन आ गए देखो ना भी सुदामा कहा गया, आम देखो तुम थले किस कदर आम बंदा सवेरे उठता वो अपने रब न मत्था टेकता भी कोई अज की दिहाड़ी पै जाए, ये की करते हैं भी एक गल ये नहीं आ भी इन सवाल तो यह आ भी जिन्हों के उत्ते आरोप लगते पंजाब के ही मुख्यमंत्री जिहड़े सीगे सबका बादल साहब उन्होंने परिवार से आरोप लगे सके, कैप्टन अमरिंदर सिंह सबका उन्होंने आरोप लगे, चरणजीत सिंह चन्नी सबका उन्होंने आरोप लगे, मतलब कई तकरीबन सारी कैबिनेट की जांच चल रही है, अद्धी अद्धी कैबिनेट तो ज़्यादा जांच चल रही है, बहुत हो हरियाणे चले जाओ चौटाला साहब के उत्ते आरोप लगे सी उन्होंने भी 10 साल की सजा हुई सी, मुफ्त रोड़ियां तो मैंने फिर हरियाणे वालों का कल की एक बड़ी घोषणा की उन्होंने वधिया तो हर चीज़ की मुफ्त दे रहे ही एक नवी उन्होंने स्कीम लग रही भी जी किसी लगी मैं हाँ केजरीवाल साहब का तो मग भी उत्थे नहीं पिया, अच्छा ये आते भी जेडे कुआरे आ 45 से 60 साल के उन्होंने 2750 रुपये पेंशन देवे, फिर ती कहना ब्रह्मचारियों देवे, फिर ती कहना साधु संतान देवे, वेखो
प्रधानमंत्री साहब तो कहते मुफ्त रेवड़ी देनी कोई नहीं, तो कुवारे नूं पेंशन देन दा कि मैनूं समझ नहीं पई गल दी वी विआह करवाउण ही ना चाहुंदे आ आदर जिसकी आमदन 1,30,000 तो घाटा उन्होंने दवांगे पेंशन वो सब ने दिखा देनी लीडर ने अपने बंदे दवा देनी रहा तू कुवारा तो दवाइए चलो फिर घटाले की लिस्ट कढ़ी है जी मेन मेन दसन दे अं फिर आ गया ताजकारी रोड घटाला 175 करोड़ रुपये का ही तो ये जो आरोप लगा ही वो मायावती के उत्ते तलवार लटकी अजे तक लमकी जान दी आ देखिए जी अं पिछे भी गल की थी देखो ना बिहार च पुल डिग गया दो बार डिग पाया बांदा बांदा ही कहते 4,000 करोड़ तो ज्यादा की काली कमाई कर ली तो जेल भी जाना पाया उन्होंने दस्या भी कमाई कि करी दी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होंगे जो मधु कौड़ा साहब जेल भी चल गए फिर भंडारी साहब वेखो लीडर साढ़े के अफसर साढ़े कोई छड़ दे फिर आ गया तबूत घटाला साढ़े फौजी लड़न डे आ कारगिल दे विच ते 1999-2000 दे विच 500 अलमीनियम तबूत उन्होंने डेड बॉडीज भेजन वास्ते शहीदां दियां ते 3,000 शब्द दे थैले लाशा रखने वास्ते जिहड़े छेले बैग है गए खरीदण लई अमरीका की एक कंपनी नाल समझौता किया गया आरोप लगे भी ये भी बड़ा तगड़ा घटाला आया देखो कि शर्म की गल है कि बंदे साढ़े शहीद हो गए फौजी लीडर कहते भी सेवा करने इन्होंने अपने न्याणे फौज भर्ती कराने चाहिए 3-3 साल कारगिल अपने न्याणे पढ़ाते बाहर आ सब तो पहला लीडर के न्याणे सरकारी स्कूल पढ़ने चाहिए अपने प्लस टू जो करवा बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सारे बच्चों ट्यूशन सेंटर का भेज दे बच्चों के क्योंकि वो बेसिक समझ नहीं आता उन्होंने करन की उन्हों का कंपीटिशन है जोड़े प्राइवेट स्कूलों पढ़े हुए हैं सरकारी स्कूलों के बच्चों का सरकारी स्कूल तो ही ठीक हो गए जे अफसर तो लीडर अपने बच्चे उत्थे पढ़ा वैसे डीसी जोड़े हूँ रिटा इतों बदल गए हाँ सुदन साहब उन्होंने अपने बेटे को पाया रवाज शुरू की थी यह डीसी बहुत घट मिलते बहुत अच्छे ही 24 घंटे लोगों की हाँ पबलिक की सेवा वास्ते हाजिर होंगे ही मैं भी कई बार सेवावान लै चुका उन्होंने बहुत अच्छे लीडर जी के जी IPL घटाला हो गया जी IPL 3 तो बाद IPL का जो प्रमुख ललित मोदी उन्होंने सस्पेंड करता गया कहते भी उसकी अजे तक जान चलन दी जे मोदी के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी करता तो 1200 से 1500 करोड़ रुपये का घटाला दे 10-1200 तो लैके 1500 करोड़ तक का यह तो दो टीमों बैन भी किया कुछ समय वास्ते चेन्नई सुपर किंग राजस्थान रॉयल्स में तो ललित मोदी हम बाहर फोरन च मोजा लै रहे हैं लिया को कुछ नहीं गया रिकवरी कोई नहीं रिकवरी कोई नहीं कारपोरेट जगत का उस समय का सब तो वड्डा घटाला ही जी सत्यम IT कंपनी सत्यम कंप्यूटर बड़ा रौला पै भी हाँ सर्विस इन्हें रियल स्टेट के शेयर मार्केट के जरिए देश ने 14,000 करोड़ का चूना लाया वसूली नील फिर इन्हें वेखो कोई चीज इन्हें छड़ी आ फिर आ गया जी स्टंप घटाला स्टंप पेपर घटाला अब्दुल करीम तेलगी मशहूर आया 20,000 करोड़ का चूना लाया कला थोड़ी करके केजरीवाल सारा काम सरकार का सहयोग न ही स्टंप चल उसके स्टंप पेपर चली जाते जा रही सारे फिर एक और टैक्स चोर आ गया वह आते जी हसन अली टैक्स चोरी मामला देखो कि सब सो बड़ा वाला जो देखता है टैक्स चोरी का हसन अली ही 40,000 करोड़ तो ज्यादा की टैक्स चोरी की दसा स्विस बैंक के आरोप 8 अरब डॉलर ही बोले 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 केड़ा वाला चोर ही फिर उस तो बाद आ गया जी टू जी स्पैक्ट्रम घटाला जी ए कहते जी खजाने 176,000 करोड़ का नुकसान होया पर 2017 रुपए का मैं करेक्ट कर दिया जी 176,000 करोड़ रुपए का नुकसान होया 176,000 करोड़ जी 2017 के CBI कोर्ट ने सारे बरी करते वहां घटाला होया ही नहीं राजा अंदर भी जाना पैया
फिर साढ़े बड़े उद्योगपति वे विजय माल्या जी आ गए, उन्होंने घटाला हो गया, उन्होंने बैंक का 9,000 रुपये लोन डिफॉल्ट करके 9,000 करोड़ रुपया डिफॉल्ट लोन डिफॉल्ट करके तो भज गए। तो ब्रिटेन के मोजा लैन डे आ, मैं मोजा दे लैन डे ना लीडर हूँ ते मेरे वर्ग लोन लैना 500 कागज लेंदे बैंक वाले चेक सैन करा करा रख लेंगे 10 लाख का लोन देना हो ना तो 30 लाख रुपए प्रॉपर्टी लिया गरंटिया दे भर भर के। फिर आ गया PNB घटाला जी, ये वेखो नीरव मोदी तो मामा ही मेल चौक सी जी, उन्होंने की किया बैंक वालों PNB के नाँ के लैटर ऑफ अंडरटेकिंग LOU के जरिए PNB बैंक तो 11,300 करोड़ रुपये का घटाला जी घटा लिया। तो दोवे फरार बैंकिंग फराड के फरार है जे, एक ही करते बैंक गरंटी दे देंगे झूठे लैटर पैड से लिखा के जो मैनेजर गिफ्ट दें दे, इन्होंने देते दे भी बड़े तगड़े बंदे आगा अगो समान चुक लेंगे बैंक गरंटी तरह जी बह बह के कभी तहसीलदार को कहने भी तू तहसीलदार चोर है, कभी कहते नायब तहसीलदार चोर है, कभी कहते अमरूदा च IAS के अफसर खा गए करोड़ करोड़ रुपया ही लिया उन्होंने कड़े ज्यादा लाए हैं, तो कभी वो PSIC की गल करते ये तो सानू वाले घटाले बहुत छोटे लगन लग पे तो कुछ भी नहीं आगे। हूँ फिर आ गए जी रोटोम एक घटाला जी, और जो रोटोम पेन कंपनी का मालिक ही विक्रम कठारी वो खिलाफ़ पहला लोन फराड का CBI ने केस रजिस्टर किया, फिर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का किया। कठारी ने सरकारी बैंक 3,695 करोड़ रुपये की चरत लाई जे, ये तुम दस जे मेन मेन घटाले ये सारे जो वाला लापो तो 2-3 दिन लगे रहो तो घटाले नहीं खत्म हो सकते समय की सर तो देखो भी रिकवरी कोई नहीं समय की रकेश जी घाट होंगी देखो ना सजाव बनिया घट कई तो बंदे बरी करते हैं रकेश जी बाद की गल है पहले तो प्रक्रिया बहुत लंबी है अदालती प्रक्रिया बहुत लंबी है देखो ना वो संविधान के मुताबिक ही चलना पड़ेगा संविधान कानून बने से अंग्रेजा के हिसाब ना इन्होंने उन्होंने चेंज चूज नहीं किया उदों जरूरत होर सी अज जरूरत हो रहा वेखो उही इन्हां नूं सूट करदे आ साढ़े लीडर सही हो जाण सारे घटाले रुक जाणगे ये ना अफसरां को रल के पैसे लैण वो इन्हां कोई एक गलत काम उन्हां नूं कहिंदे कराउंदे आ 10 आप कर दिंदे आ कि जी असी किसे पार्टी नूं माड़ा नहीं कहिंदे किसे पार्टियां सारियां चंगियां हुंदियां असी ओ ते बंदा गल करदा साडा मकसद ये आ कि ये जो घोटाले होए कोई तो जिम्मेदार इहदे लई कौन लोग जिम्मेदार हैं अक्सर तो लुटिया कौन गया लुटिया गया देश देश के दे लोग जोड़े वो मुफ्तखोरी के चक्कर मुफ्त लाओ कभी राशन लै लो तो कभी कुछ होर लै लो तो बाकी तो रब ही रखा घोटाले बिजली मुफ्त काम जो लाया लोगों का सही मुद्दा से ध्यान ही नहीं आके जी तुम देखो मेरी अज एक MLA गल हुई कहें जी MLA तो एवं फोकिया टोलों च रिंदा फुकरी मारता कहें असल कहें जी चल चम की चलती ना वो चलती है अफसर की केंद्र इंप्रूवमेंट ट्रस्ट नगर निगम एक एक अधिकारी जांच कहते ना दे देना मैं जांच करा लो तो MLA तो वह कोई प्रॉपर्टी निकलूगी बिल्कुल निकलूगी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट सोने की खान है जी ठीक है पहला चेयरमैन जी काबू आ गए हूँ सरकारी वकील जी काबू आ गए पैसे तो देखो जी सब पता तो अफसर अं तो कई बार कह चुके हैं भी जे कोई भी घोटाला होया चाहे भारत भूषण आशु अंदर गए चाहे वो अपने सुंदर शाम अरोड़ा गए चाहे वह साधु सिंह धर्मसोत गए या दूजे गए भी की कला मंत्री बिना अफसर की मंजूरी तो उदी मर्जी तो कोई पैसे का घोटाला कर सकता है अफसर के सहन तो बिना कम ही कोई नहीं होना चाहे सहन है करूंगा चाहे नशे का कम कि नशे का एड्डा वड्डा मुद्दा रहा पंजाब दे विच एक AIG अजे तक पता नहीं लग्या कितने गया भी की वो कला बंदा अपने इंस्पैक्टर रल के काम चला भी रिलीफ मिलने जा रहा है कोर्ट देखो वो तो चलो कोर्ट ने रखी जी देखो कहते भी गरीबों का राशन ये खा गए पेंशन खा गए सरकारी जमीन कौड़ियां के भाव बेचतियां रेत बजरी खा गए अपने ठेकेदार रख लिया जो कि टेंडर पैने अपने ठेकेदार ज्यादातर लीडर ने अपने भाई भतीजे ठेके दवाते ठेके रख लेंगे वैसे भी कम है भी कहते एक बार तू लुट ला एक बार मैं लुट लूंगा पंजाब जो रोक लगते रहे इतना ही हों रहा भगवंत मान जी सुधार करेंगे अं ये नहीं कहते भी सारे के सारे लीडर जोड़े भ्रष्ट ने या सारे के सारे अफसर भ्रष्ट ने पर ज़्यादातर जो हालात ने घोटालिया की गल की करीब मेरा ख्याल कि जी 40 घोटाले तो गिना दते हैं तो जे असी गल तुहाडी बिल्कुल ठीक है जो असी घोटालिया की गल कर लगे तो पूरे अज दिन भी थोड़ा जरा बेसिकली रखा ही इस करके सके ताकि भ्रम च ना आओ देश लई की चीज़ चंगी है इन्हां लीडरां नूं सवाल पूछो एक एक MLA नूं गनमैन वैसे तो मिलते हैं 4 पर इन्होंने 8-8, 10-10 रखे है कितना खर्च होंदा है एक जिहड़ी है पुलिस मुलाजम की तनखा 80,000 तों 1,00,000 रुपया
ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹੀ ਤਰੀਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, 1 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣੇ। ਵੇਖੋ, ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਸੀ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ 1-3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹੂਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਜਾੜ ਦਿਓ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵੱਡੀ ਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਨਾ ਭਰਦੇ ਹੋਣਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਸਿਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੁਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੀਡਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਦਾ ਵੀ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਾਏ। ਚਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ।